अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और इसके अंदर हम एक प्रोग्राम को रन करके भी देखेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वीडियो के अंदर हम इसको गो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उबंटू के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल के अंदर आके गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख देना है। सॉरी, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये फर्स्ट जो भी लिंक आएगा द गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको आपने कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपने चले जाना डाउनलोड पे। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है लिनक्स के लिए, ठीक है। विंडोज़ वाले ये वाला इंस्टॉल करेंगे क्योंकि अभी हम लिनक्स के लिए कर रहे हैं, तो लिनक्स के लिए हम ये वाली फ़ाइल इंस्टॉल करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसकी काइंड आर्चीव है, ओएस लिनक्स है, x86 और 64 MB की ये फाइल है, ठीक है। तो ये जब तक डाउनलोड होती है, मैंने ऑलरेडी वैसे इंस्टॉल किया हुआ, इस वजह से मैंने भी यहाँ पे कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो ये वाली फ़ाइल आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ये आप देखेंगे तो इन्होंने हाईलाइट भी की हुई है, ये विंडोज़ के लिए भी हाईलाइट की हुई है और लिनक्स के लिए भी हाईलाइट की हुई है, मैक ओएस के लिए भी हाईलाइट की हुई है, और साथ लिखा भी हुआ है इंस्टॉलर। ये करने के बाद अब हम चले जाएंगे, वैसे ये यहाँ पर भी इन्होंने हाईलाइट की हुई है, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस पे, ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने लिनक्स के अंदर किस तरह इंस्टॉल करना है वो बताया हुआ है, हमें कमांड्स दी हुई हैं, हमने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। तो अब जहाँ पे हमारी फ़ाइल डाउनलोड होके गई है, मींस के डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है, देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है हमने, ठीक है। यहाँ पे आपने टर्मिनल को ओपन कर लेना है और वहाँ से कमांड को करना है कॉपी, ठीक है। ये आपने इस वाली हिस्से को नहीं करना, ठीक है, ये TAR के आगे आगे करना है, इसको हम कर लेंगे कॉपी। और यहाँ से हम साथ लिखेंगे sudo और पेस्ट कर देंगे यहाँ पे Enter 07, ठीक है। और इसके बाद से हमने ये वाली कमांड एज इट इज़ कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। और उसके बाद इसका मतलब यह है कि हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि हमने 1.22 ही उसी को एज अ सोर्स फाइल लिया था और उसी को हमने एक्सट्रैक्ट किया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर हमने उसे पाथ दिया है, पाथ देने के बाद फिर हमने अब देखा है कि वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। तो उसने जैसे हमने वर्जन चेक किया तो उसने हमें वही वाला वर्जन रिटर्न किया जो कि हमने इंस्टॉल किया है। इसका मतलब यही है कि हमारा जो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इसके अंदर इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं कोड की तरफ के अपना पहला कोड इसके अंदर करते हैं और हमें एक सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी कि सही काम कर रही है हमारी लैंग्वेज। उसके लिए हम चलते हैं स्टार्टेड ट्यूटोरियल के ऊपर और यहाँ से हम CD, जैसे हम CD करेंगे तो ये हमें होम पेज पे ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने एक नया फोल्डर बना लेना है, हमें एक डायरेक्टरी यहाँ पे SN बना लेते हैं, CD करके इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। जाने के बाद ये वाली कमांड हमने करनी है यहाँ से कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब हेलो की जगह हम कर देंगे SN, ठीक है। तो सेम हमें क्रिएटिंग न्यू गो डॉट मोड मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं VS कोड, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ऑलरेडी फाइल एक क्रिएट हुई हुई है। अब हमने यहाँ पे एक और फाइल को क्रिएट करना है जिसकी एक्सटेंशन होगी go.go। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं .go, ठीक है। और यही वाला कोड एज इट इज़ कॉपी पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम
कुछ और कर लेते हैं, माय तारीख, ठीक है। इसे कंट्रोल एस करके हमने कर लिया सेव। अब हम इसको रन के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो है गो रन, ये यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। वैसे इसे हम खुद भी रन कर सकते हैं। ये रहा हमारा टर्मिनल, डॉट, ठीक है। तो ये देखें, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊँ, क्योंकि आजकल इसकी मार्केट के अंदर काफ़ी वर्थ बनती जा रही है। इसके अपने कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, फ़ायदे भी हैं, लेकिन एनी हाउ जो भी है, इसकी मार्केट में वैल्यू बहुत बढ़ती जा रही है। तो आज की वीडियो का मकसद पूरा हुआ है, आपने देख लिया कि किस तरह हम इंस्टॉल करते हैं, और हमने प्रोग्राम भी रन करके देख लिया। मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।